जैसे कि हमने अभी तक देखा, हमारा शरीर दो सतहों से बना है, मटेरियलिस्टिक प्लेन और डायनेमिक प्लेन। हमने ये भी देखा कि किस तरह डायनेमिक प्लेन एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है डायनेमिक लेवल पर, जो बाहर के डायनेमिक इन्फ्लुएंस से शरीर की रक्षा करता है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने के अलावा वाइटल फोर्स के कुछ और फंक्शंस भी हैं, और वो हैं: नंबर वन, सेल्फ प्रिजर्वेशन। नंबर टू, ये इंश्योर करना कि बॉडी के सारे फंक्शंस सही तरीके से चल रहे हों और उस व्यक्ति को किसी भी तरह का एबनॉर्मल सेंसेशंस महसूस नहीं हो रहे हों। जब हम सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शरीर की प्रिजर्वेशन के लिए खतरा बन सकती हैं। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मलेरिया एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से फैलता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम संक्षिप्त में रिवाइज कर लेते हैं। जब एक मच्छर जो इस मलेरियल पैरासाइट को कैरी कर रहा है एक इंसान को काटता है, तो ये मलेरियल स्पोरोजॉइट इंसानी खून में प्रवेश करता है, जो लिवर में जाकर लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। यहाँ ये एक मैच्योर स्काइजोंट बन जाता है और हजारों मेरोजॉइट्स पैदा करता है, जो लिवर सेल्स को फोड़ के खून में प्रवेश करते हैं। इसके बाद ये हेल्दी आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी वो मल्टीप्लाई होते हैं और आरबीसीज को रप्चर करके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, जो कई सारे हेल्दी आरबीसीज को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से कई सारे आरबीसीज का बड़ा विनाश या मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। इनमें से कुछ इन्फेक्टेड सेल्स गेमिटोसाइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कई दिनों तक ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। ऐसे में अगर उस व्यक्ति को कोई और मच्छर काटता है, तो खून के साथ साथ गेमिटोसाइट्स को भी वो अपने अंदर चूस लेता है। मच्छर के शरीर में ये गेमिटोसाइट्स स्पोरोजॉइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसे मच्छर के काटने से ये इन्फेक्शन फैलता है। अब ये हो गई वो सारी बातें जो हमने पैथोलॉजी में पढ़ी हैं। अब इस एंटायर प्रोसेस को होम्योपैथिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यहाँ हमारा आपसे एक सवाल है। मान लीजिए एक इन्फेक्टेड मच्छर अगर 10 लोगों को काटता है, तो क्या उन सारे 10 लोगों को मलेरिया डेवलप होगा?